चलिए इसका टेस्ट राइड लेते हैं। तो एक और फीचर जो इसमें है वो है कि साइलेंट स्टार्ट होती है स्कूटी, तो नॉइजलेस स्टार्ट है इसमें, कुछ आपको आवाज़ देखने को नहीं मिलेगी। और परफॉर्मेंस की बात करें तो ये सिंस एक BS6 कंप्लायंट इंजन है तो पावर फिगर्स को थोड़ा डाउन कर दिया जाता है, बट फिर भी मुझे इसका इंजन काफ़ी पावरफुल लग रहा है। और मैंने BS4 की एक्टिवा भी चलाई है तो मुझे तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स है स्कूटी का और काफ़ी रिफाइंड है गाड़ी। सो अभी हम कंपेयर करेंगे ये बर्गमैन 125cc, तो इसका देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा है एज कम्पेयर टू एक्टिवा BS6। तो इसका जो पावर है वो थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्टिवा BS6, तो इसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और इसका स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और पावर फिगर भी इसकी थोड़ी ज़्यादा है अगर कंपेयर करें हम एक्टिवा BS6 से। हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो बड़े ब्रांड्स के सबसे अच्छे स्कूटर्स को। एक तो है होंडा एक्टिवा 125 BS6 और दूसरा है सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125। दोनों ही स्कूटर्स काफ़ी अच्छे हैं 125 cc सेगमेंट्स में, और अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा स्कूटर लें तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सुजुकी और होंडा दोनों बहुत ही बड़े ब्रांड हैं जिनकी बाइक्स और स्कूटर्स के इंजन रिफाइनमेंट, रिलायबिलिटी और हैंडलिंग काफ़ी अच्छा होता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इन दोनों स्कूटर्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे और फिर मैं आपके साथ अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंजन की बात करें तो होंडा एक्टिवा 125 BS6 में आपको 124 cc का सिंगल सिलेंडर फैन कूल्ड 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड BS6 इंजन मिल जाता है जो कुछ 8.1 BHP की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है एट 6500 RPM और 10.3 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट 5000 RPM। वहीं सुजुकी बर्गमैन 125 में आपको 124 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड कार्बोरेटर BS4 इंजन मिल जाता है जो कुछ 8.6 BHP की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है एट 7000 RPM और 10.2 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट 5000 RPM। टायर्स और ब्रेक्स की बात करें तो दोनों स्कूटर्स में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। दोनों स्कूटर्स में आपको फ्रंट में 90x90 सेक्शन का टायर मिलता है जो कि 12 इंच के अलॉय व्हील में माउंट होता है, और पीछे की तरफ दोनों स्कूटर्स में आपको 90x100 सेक्शन का टायर मिलता है जो कि 10 इंच के अलॉय व्हील में माउंट होता है। दोनों स्कूटर्स में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों स्कूटर्स में टायर और ब्रेक्स दोनों लगभग सेम है। इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करें तो होंडा एक्टिवा 125 BS6 में आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है और डिजिटल ओडोमीटर मिलता है। इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, रियल टाइम माइलेज, साइड स्टैंड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है जिसमें स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्टिवा BS6 का इंस्ट्रूमेंट पैनल काफ़ी एडवांस्ड है और इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लाइट्स की बात करें तो दोनों स्कूटर्स में आपको फ्रंट में LED हेडलैम्प मिल जाता है। एक्टिवा BS6 में आपको हेलोजन टेल लैम्प मिलता है, वहीं बर्गमैन स्ट्रीट में आपको LED टेल लाइट मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो होंडा एक्टिवा 125 BS6 में आपको 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट में आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं होंडा एक्टिवा BS6 का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा बेहतर है इंडियन रोड्स के हिसाब से। सीट हाइट की बात करें तो होंडा एक्टिवा BS6 में आपको 712 mm का सीट हाइट मिलता है जो कि शॉर्ट राइडर के लिए काफ़ी सही है। वहीं सुजुकी बर्गमैन में थोड़ा ज़्यादा सीट हाइट मिलता है जो कि 780 mm का है, तो ये थोड़े बड़े राइडर्स, टॉल राइडर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। वेट की बात करें तो इस होंडा एक्टिवा BS6 में आपको 111 kg का वेट मिलता है, वहीं सुजुकी बर्गमैन में आपको 108 kg का वेट मिलता है। तो होंडा एक्टिवा BS6 थोड़ा हैवी है। फ्यूल टैंक की बात करें तो होंडा एक्टिवा BS6 में आपको 5.3 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, वहीं सुजुकी बर्गमैन में आपको 5.6 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। तो ये सब तो इन दोनों स्कूटर्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में हो गया। अब मैं आपके साथ अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ।
तो सबसे पहले इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों स्कूटर्स को चलाने के बाद मुझे बर्गमैन का पावर थोड़ा ज़्यादा लगा, और ये जो फ़र्क है ये 20-18 का फ़र्क ही है। लेकिन पिकअप एंड पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो सुजुकी बर्गमैन थोड़ा बेहतर है। वो इसलिए भी है क्योंकि बर्गमैन BS4 इंजन के साथ आता है, जबकि एक्टिवा BS6 इंजन के साथ आती है, जिसकी वजह से पावर फिगर्स थोड़ा डाउन कर दिया जाता है। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग। तो यहाँ पर भी मुझे बर्गमैन स्ट्रीट का स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग काफ़ी अच्छा लगा। एक्टिवा में 80 प्लस स्पीड होने के बाद स्कूटर थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन बर्गमैन काफ़ी स्टेबल एंड कंट्रोल रहता है। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है टॉप स्पीड। तो एक्टिवा 125 BS6 से आप 85-90 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहीं बर्गमैन स्ट्रीट 125 से आप 100-105 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है वाइब्रेशंस। तो दोनों स्कूटर्स में मुझे कोई भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिला। अगर आप स्कूटर को हाई स्पीड में चलाते हैं तो दोनों स्कूटर्स में आपको कोई भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता है। पांचवें और आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है राइडिंग कम्फर्ट। तो ओवरऑल मुझे बर्गमैन का राइडिंग कम्फर्ट थोड़ा अच्छा लगा। इसका जो हैंडल का पोजिशन है और जो वाइड सीट इसमें दिया हुआ है उससे इसको चलाने में काफ़ी कम्फर्टेबल फील होता है, अगर हम तुलना करें एक्टिवा BS6 से। अब माइलेज की बात करें तो होंडा एक्टिवा 125 BS6 से आप 55-60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहीं बर्गमैन सीट 125 से आप 45-50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो होंडा एक्टिवा BS6 का जो टॉप मॉडल है जो कि डिलक्स मॉडल है उसकी प्राइस है 76,000 एक्स शोरूम पुणे। वहीं बर्गमैन स्ट्रीट का जो टॉप मॉडल है, इसका एक ही मॉडल आता है जो कि डिस्क ब्रेक के साथ आता है, उसका जो प्राइस है वो 72,000 एक्स शोरूम पुणे है। अब बात करें किसके लिए कौन सा स्कूटर बेटर है। तो दोनों स्कूटर काफ़ी अच्छे हैं, इनका इंजन भी काफ़ी अच्छा है। होंडा एक्टिवा थोड़ा मॉडर्न फीचर्स के साथ आता है, वहीं बर्गमैन थोड़ा दिखने में स्टाइलिश है। अगर आप थोड़ा हाई स्पीड पर स्कूटर चलाना पसंद करते हो या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप बर्गमैन स्ट्रीट की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर आप एक फैमिली वाले हो और माइलेज थोड़ा आपको सही चाहिए तो आप होंडा एक्टिवा 125 BS6 की तरफ जा सकते हो। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर बाइक अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू गाइस।